क्या छुप छुप के देख रहा था क्या? हाँ? अरे नहीं 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 हाँ? अभी बताती हूँ। अरे बाप रे, भागो। जाता तो ठहर ठहर रुक, जाता कहाँ बदमाश, रुक। अरे काका, अरे काकी, अरे काकी मेरी बात तो सुनिए। काकी नहीं छोड़ूंगी तुझे। अरे काकी मेरी बात तो सुन, वो नहा रही थी झरने पे, हम उसे देखने गए, तुम नहा रही थी कि नहीं झरने पे? हमने सोचा कि ये बाल सुखा रही है, जब खींचा तो वो निकली और ये वो के चक्कर में हम ये हो गए। अच्छा तो तुम दोनों का टाका है, जोड़ी तो बहुत अच्छी है। ए काकी, हमारा कोई टाका वाका नहीं है, कोई जोड़ी वोड़ी नहीं है, जिंदगी में पहली बार देखा हूँ इसे, जानता भी नहीं इसे। जब मुझे जानते नहीं पहचानते नहीं तो क्यों ढूंढ रहे थे मुझे? अरे वो ये जानने के लिए कि सपना था या सच। अब तो जान गए ना पापा कि मैं सपना नहीं सच हूँ। राजू भैया गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? अरे तेरे सारे जानो ठाकुर के खेत में घुस गए। अब क्या होगा? वही पंचायत में पेशी। बैठ जाइए। अरे तू कहाँ बैठ रहा है? तू तो गुनेगार है। आओ बेटी। राजू, तुम्हारे कारण हमारी सारी फसल खराब हो गई। जवाब दो, तुम्हारे जानवर हमारे खेत में कैसे घुस गए? हजूर, माय बाप, वो हुआ यूं के पहले वो आई, फिर ये आई, ये कहां से आई पता नहीं, वो कहां चली गई पता नहीं, वो जहां गई हम वहां गए, लेकिन वो वहां नहीं थी, वहां तो ये थी, और फिर ये हमारे पीछे पड़ गई, और वो हमारे सामने खड़ी थी, वो सामने खड़ी थी और ये पीछे पड़ी थी। हजूर, अगर पहले वो नहीं आती तो ये नहीं आती, और ये सब नहीं होता, और हमारे जानवर आपके खेत में नहीं घुसते। लेकिन हजूर, हुआ यूं के पहले वो आई, फिर ये आई, और फिर वो। भाई, ये क्या नपशना बक रहे हो? पहले ये आई, फिर वो आई। नहीं नहीं सरकार, पहले ये नहीं आई, पहले वो आई, फिर न जाने कहां से ये आ गई, समझे ना सरकार, और फिर। अरे मुंह बंद करना, ये आई वो आई, पहले ये आई थी पहले वो आई थी। अरे ये नहीं आई पहले, पहले। अरे चोर! राजू, तुम्हारी लापरवाही के कारण तुम्हारे जानवर हमारे खेत में छूट गए, हमारा नुकसान हुआ, इसलिए 3 दिनों तक तुम्हारी गाय और भैंसों को हम अपने तबेले में रखेंगे, उनका दूध बेचकर अपने नुकसान की भरपाई करेंगे, यही पंचायत का फैसला है। अरे मूर्ख, तेरे कारण आज तक मैंने शादी नहीं की, ये बात तेरे खोपड़े में कब जाएगी? एक भैंसा और गैया नहीं चरा सकता है तू? अरे बापू, एक नहीं पूरी 20 गैया, 16 भैंस, 9 भैंसा और 18 बछड़ा है। चुप चुप, ले गया ना ठाकुर 3 दिन की कमाई, ऊपर से दूध और मलाई मिलेगी, इसकी सजा मिलेगी। सजा? 3 दिन तक तुझे तबेले में सोना पड़ेगा। आपके साथ सोऊं या भैंसों के साथ? बात एक ही है। क्या कहा क्या कहा? कुछ नहीं।
घुसा, कहाँ घुस रहा है? रुक! हमका थोड़ी देर के लिए हमारी गैया ले जाने दो, हम उन बछड़ों को उनकी मैया से मिलाकर वापस छोड़ देंगे। नहीं, ठाकुर का हुक्म है, ये जानवर 3 दिन के बाद ही जाएंगे। चलो। वहाँ बच्चे बिलक बिलक के रो रहे। हमारा हाथ अगर लग गया ना तो तू भी बिलक बिलक के रोएगा, समझे ना बच्चे? आज तक हमारा बापू हम पर हाथ नहीं छोड़ा और तू कुत्ते का जना हम पर हाथ उठाया। राम कसम, आज तो का यहाँ पटक पटक कर बेल देंगे, मर जाएगा ससुर के नाते। कहाँ गया वो? अरे वो तबे की तरफ गया होगा। छोड़ना नहीं इसको, आओ मेरे साथ। जानता हूं मैंने गलती की है और उस गलती की सफाई मुझे कहां देनी है मैं ये भी जानता हूं, लेकिन तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। जवाब दो राजू, खामोश क्यों खड़े हो? हाँ हाँ ठाकुर साहब जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। हुजूर, जब हम अपनी भैंसों और गैया को आपके यहाँ भेज दिए तो हम समझे हम जानवर भेज दिए, लेकिन रात को जब गैया के बच्चे रो रो कर अपनी मैया को पुकारने लगे तब हमें पता चला कि हम अपनी गैया नहीं उन बच्चों की मैया को भेज दिए। भगवान ने जानवरों को भी एक ही शब्द दिया है, माँ। जब बछड़े मामा करके पुकारने लगे तो हमारा कलेजा हिल गया मालिक, हमारी कोई माँ नहीं है ना। माँ ना होने का दर्द क्या होता है हम अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए हम माँ और बच्चों की दूरी को सह ना सके। हमको लगा कि हमारी वजह से बच्चों से उनकी मैया अलग हो गई, इसलिए हम गैया को छुड़ाकर उनके बछड़ों से मिला दी। आदमियों की भीड़ में आज मुझे वो इंसान मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। अब मैं इसे अपने आप से कभी दूर नहीं जाने दूंगी, अपनी धड़कनों में रखूंगी। देखो राजू, तुम्हारी इन जज्बाती बातों में इंसानियत छुपी है, तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। चाचा जी, इसकी जज्बाती बातों में आकर इसे माफ मत कर देना, सजा तो इसे मिलनी चाहिए। हाँ भाई, इसे सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन बेटी इसे सजा क्या दे? हमारे घर में 30 दिन तक नौकर रखवा दो इसे, बगैर तनख्वाह के। हाँ तो राजू, तुमने जो कहा हम उससे सहमत हैं, लेकिन एक बात तो तुम्हें भी माननी पड़ेगी, नुकसान तो हुआ है। क्या तुम्हारा मतलब है हमारा नुकसान नहीं हुआ? वो हुआ है सरकार। तो सुनो, कल से 30 दिनों तक तुम हमारी हवेली में बिना तनख्वाह के काम करोगे। क्या मतलब, तुम सजा भुगतने के लिए तैयार नहीं हो? नहीं 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 सरकार, बिल्कुल तैयार है। हा?
नहीं 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 चिल्ला रहा है क्या कर राजू तुम्हारी ये मजाल कि तुम पंचायत के फैसले को मानने से इनकार करो नहीं सरकार आप हमें काला पानी की सजा दो या सूली पे लटका दो लेकिन अपने घर पे काम करने की सजा मत दो हम मारे जाएंगे सरकार बिन मौत मारे जाएंगे नहीं 30 दिनों तक तुम्हें हमारी हवेली में काम करना पड़ेगा ये हमारा फैसला है क्या हुआ बापू वो आई थी फिर वो आई थी दोबारा ये कहा कि ये आई थी वो आई थी तो उंगली काटकर इमली के झाड़ पे लटका दूंगा ये क्या हो रहा है भगवान ये कैसा रोग दे दिया हमें छोकरिया में भैंसवा दिखती है भैंसवा में छोकरिया दिखती है नहीं छोड़ेंगे चाहे छोकरिया दिखे या भैंसवा रगड़ रगड़ के धोएंगे अरे अरे करंटवा अरे ये कैसा करंटवा है अरे ये करंटवा तो छोड़ते ही नहीं राजू अरे बाप रे ए क्या हो गया था तुझे मालिक हमें झटका लग गया था झटका कैसा झटका बहुत जोरदार झटका मगर हुआ क्या वो हुआ यूं कि हम उसे धो रहे थे फिर उसने हमें लात मारी तो हम उस पर जा गिरे और उसने हमें ऐसे पकड़ा जैसे बिजली का खंभा पकड़ लेता है छोड़ा ही नहीं फिर उसकी पकड़ से हम ऐसे पकड़े गए कि छूटे ही नहीं और हुजूर उसके बाद फिर ऐसा झटका कि सारे बदन में कपकपी दौड़ गई हुजूर कपकपी साफ साफ बताओ राजू ऐसा क्या हुआ हुजूर वो मीना मेम साहब की वजह से आज हमको ऐसा करंट लगा कि हम ऊपर नीचे हो गए वो तो अच्छा हुआ कि आपने हमें आवाज देकर बुला लिया वरना हमारा तो टिकट भी कट गया होता बेटी तूने ऐसा क्या किया जो इसे इतना जोरदार झटका लग गया चाचा जी बिजली से खेलेगा तो करंट तो लगेगा ना अब क्या हुआ सरकार हुजूर वो आई थी ओफो निकल बाहर बाहर निकल मीना बेटी इसे बाहर निकालो नहीं नाक में दम कर दिया इस आदमी ने मेरे जिंदगी में पहली बार ऐसा झटका लगा वो करंटवा था क्या उस लड़की में ऐसा कौन सा करंटवा है जिससे वो हो गया जो पहले कभी नहीं हुआ हा? काकी काकी को पता होगा अब काकी में भी करंट होगा काकी काकी सुन 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 अरे वो क्या कर रहा है काकी करंट चेक कर रहा हूँ क्या काकी तेरे में तो करंट ही नहीं है लगता है तेरा फ्यूज उड़ गया मैं हूँ तेरे प्यार में पागल लड़की अरे अरे निकाल उसको माँ आ गई तो मेरी धुलाई हो जाएगी यार ओह सो रही है ए ए ए बाहर निकल गुड मॉर्निंग या भाड़ में निकल बाहर पहले कॉफी ईरानी का होटल समझ रखा निकल बाहर क्या कहाँ भाग रही है बाहर निकल माँ आ गई ना तो मेरी हो जाएगी छुट्टी
क्या पिछले की तरह मैं कर रही हूँ? मेरी माँ बाहर खड़ी है। आशीर्वाद लेना पड़ेगा। आटो, 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 आशीर्वाद? तू पागल हो गई है? अरे अगर मेरी माँ ने तुझे देख लिया तो मैं तो जीते जी मारा जाऊंगा। इसका कुछ करना पड़ेगा। छोड़ो, सासु, किसी छोड़ो मुझे प्लीज। पक पक पक। अरे हिलना नहीं यहाँ से। किशन। माँ। बेटा किशन, क्या बात है? मुझे देखकर तूने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? दरवाजा मैंने क्या बंद किया माँ? मैं वो तो इतनी अलग सी लग रही है तो मैं समझा कोई और आया होगा। अलग तो तू लग रहा है, चेहरे का रंग क्यों उड़ा उड़ा है? मेरे रंग को क्या हुआ माँ, मैं तो वैसा ही हूँ। माजी धोबी रामबोली का नमस्कार। आपने मुझे भुला था ना? हाँ, ये पर्दे धोने हैं। नहीं, मैं जान दे दूंगा लेकिन पर्दे नहीं धोने दूंगा। अरे बाबा बहुत गंदे हो गए हैं, इन्हें निकालो तब तक मैं दूसरे। माँ पर्दे तो पिछले साल ही धुले थे ना माँ, ये रहने दे। ऊपर इतने सारे पर्दे वो धो दे, इतने पर्दे घर में, इसे रहने दे। लड़की माँ जी, लड़की को भी धोना है क्या इसके साथ में? बेटे किशन। इसका क्या करूं? चल अंदर। अरे किशन बेटे, वो मेरी कपड़ों वाली पेटी कहाँ रखी है? पेटी नहीं मिल रही। कौन पेटी? अरे हाँ, पलंग के नीचे है। माँ, पलंग के नीचे कोई पेटी नहीं है माँ। पेटी नहीं, किसी की बेटी है जो पलंग के नीचे लेटी है। क्या? अरे नहीं 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 माँ, माँ ये तो पीके टाइट है, कुछ भी बकवास कर रहा है। तू बैठना इधर माँ, तू थक गई होगी ना, बैठना। अरे माँ, माँ पेटी मैं हूँ ना माँ, मैं इसमें तो मेरे ऊपर और कपड़े बोले हैं ना माँ। ये साड़ी मैं धुला दूंगा माँ, सब धुला दूंगा माँ, तू लेके आना मेरे कपड़े माँ प्लीज। कपड़े हो गया है, बोल खोलेगा? अबे तेरे बाप का बिस्तर है, हट यहाँ से। प्रीति जी, धोबी घाट देखा है? हाँ, दिखाता हूँ। पेट। दो तीन और ये पैंट। अबे प्योरी हाथ देना। थैंक यू मॉम। ये लो। ये चार कपड़े और है। हाँ, और मैं रख देता हूँ ना, मैं रख देता हूँ। अच्छी तरह से धोना। हाँ, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा, कपड़े उठा, गेट आउट। जाता हूँ जाता हूँ। ये क्या हो गया आज इसे? माँ इसने जरूर ज्यादा पी ली है। पी ली नहीं है, वजन ज्यादा है, थोड़ा मदद करो वरना बोतला खुल जाएगा। चल चल चल, उठा उठा, थोड़ा इधर भी वजन डाल देना। तो ये पकड़, कपड़े उठा और दफा हो जाए। जा रहा है माँ? हाँ चलो। संभाल, पीछे क्या है? संभाल, पीछे सब गिरा। चुप, देख के पीछे क्या है? चुप, और कोई गाना नहीं आता क्या? देखो चलो बला टली। समझ ले, एक बला और टल गई। वो कौन सी माँ? मैंने तुझे लड़कियों से दूर रहने की कसम दी थी ना, समझ ले तू उस कसम से आजाद हो गया है। क्या? मैं आजाद हो गया? मैं तुझे जल्दी बताऊंगी कि वो लड़की। अरे माँ, अभी तू कुछ नहीं बताएगी, अब मैं उसे बताऊंगा। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना। क्या कह रहा है? धोबी घाट। क्या हो गया इस लड़के को? अरे मैंने उसके घर में घुसकर उसको ऐसा नाच नचाया कि उसकी तो बोलती बंद हो गई थी। उसने भी तुम्हें बोरी में बांधकर धोबी घाट भेज दिया था। वो तो धोखे से आ, वरना तो मैंने उसकी हालत धोबी के कुत्ते के जैसे कर दी थी, ना घर का ना घाट का। प्रीति प्रीति, अब वही कुत्ता गली गली के चक्कर काट रहा है तुझे काट खाने के लिए। मुझे उसकी मारे तो उसको छूट दे दी है, अब वो किसी भी लड़की को देख सकता है, किसी भी लड़की को छेड़ सकता है। अब तू नहीं बचेगी बहना। क्या? हाँ, अब तो उसका खुल गया है लॉक आउट, वो तेरी जिंदगी में कर देगा ब्लैक आउट। नहीं। हाँ,
मैं तो कहती हूँ अपने कमरे की खिड़की दरवाजे सब बंद कर दो, आज की रात बड़ी खतरे की लगती है। उई माँ, मैं तो चलती हूँ, कहीं मैं भी लपेटे में ना आ जाऊँ। हाँ घर में सांप घुस आया। अरे बचाओ, घर में सांप घुस गया है, घर में सांप घुस गया है। सांप अंदर है, अंदर चल सांप को मार। अरे सांप को मारे ना भाई ना। क्यों, उस दिन तो तूने अकेले ने 10-10 आदमी को मारा था, ये तो एक सांप है। अरे आदमी को मारना अलग बात है, लेकिन सांप को मारना ना भाई ना। अरे चल। अरे अरे साहब जी, ना हमारी आपकी दुश्मनी है, ना आपकी हमारी दुश्मनी है, हमारी इज्जत का सवाल है, बाहर कन्याएं खड़ी हैं। देखिए हम मांग मत कर लेते हैं, आप खुद ही चले जाइए साहब जी, चले जाइए साहब जी, आप चले गए। देखा, हमको देख के डर के भाग गया मुझसे। शाबाश राजू, शाबाश, तुमने हमारी भतीजी की जान बचाई, इसलिए हम तुम्हें ये 5,000 रुपए बख्शीश के तौर पर देना चाहते हैं। साहब, जिंदगी अनमोल होती है, अगर आज मेम साहब को कुछ हो जाता तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। राजू, तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई, जानते हो क्यों? हाँ, मालिक और नौकर का जो फर्ज होता है मैंने वही निभाया। अगर वो फर्ज निभाते तो बख्शीश भी जरूर लेते। तुमने मालिक और नौकर का नहीं बल्कि मोहब्बत का फर्ज निभाया है राजू। बस मेम साहब बस, समुंदर भी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता, साहिल तक आकर रुक जाता है। आप भी अपने कदम रोक लीजिए मेम साहब। कदमों को तो रोक लो, मगर अपने मन को कैसे रोकूं, जिसने मन ही मन तुम्हें अपना सब कुछ मान लिया है। समझने की कोशिश करो मेम साहब, मैं बहुत छोटा बहुत गरीब आदमी हूँ। तुम्हारा भोलापन, तुम्हारी सादगी, तुम्हारी अच्छाई मेरे लिए दुनिया की सबसे अनमोल दौलत है। और फिर औरत अपने पति में एक अच्छा इंसान ढूंढती है जो उसे प्यार दे सके, उसे समझ सके, मरते दम तक उसका साथ निभा सके। आदमियों की भीड़ में मुझे वो इंसान तुम्हें मिल गया है राजू। प्यार ने तुम्हें अंधा कर दिया है, सच्चाई को तुम्हारी आंखें देख नहीं पा रही। मेरे इस प्यार को अपने मन से मिटा दो मेम साहब और भूल जाओ मुझे। मैं चाहती थी तुम्हारा यही जवाब होगा, अब मेरा जवाब ही सुन लो। मैं तुम्हारा नाम अपने मन से नहीं मिटा सकती, खुद को मिटा सकती हूँ। देखना है तो देखो प्यार में मरने वाले कैसे मिटते हैं।
मुझे अपने आप से कभी अलग न करना राजू, मैं नहीं जी पाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी।